प्रदेश के कानपुर में पुलिस बर्बरता का मामला सामने आया है। कानपुर देहात के रनिया थाने में पूछताछ के लिए लाए गए एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में ही सोमवार को मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने प्रशासन के सामने कई मांगे रखी हैं। मांगे पूरी होने तक मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया गया है। मामले को तूल पकड़ता देख मृतक के परिजनों की तहरीर पर 3 चौकी प्रभारी समेत 11 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना पर बीजेपी नेताओं ने ही योगी सरकार पुलिस की कार्यशैली और रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। क्षेत्रीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। कानपुर देहात के सैरिया लालपुर में रहने वाले एक व्यापारी के साथ 6 दिसंबर की रात को लगभग 4.5 लाख रुपए लूट लिए गए। इस लूट के मामले में शक के आधार पर पुलिस ने 12 दिसंबर सोमवार को 27 साल के बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया और रनिया थाने ले गई। पुलिस हिरासत के दौरान ही बलवंत की तबीयत बिगड़ने लगी। हालत खराब होने पर पुलिस बलवंत को एक निजी अस्पताल लेकर गई, जहां के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में सोमवार रात लगभग 11:30 बजे डॉक्टरों ने बलवंत को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार रात भर पुलिस बलवंत सिंह की मौत को छुपाती रही। मंगलवार रात को ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दी। रात में ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शवगृह रखवा दिया। पुलिस कोशिश करती रही कि परिजन शव ना देख पाए। मृतक के परिजन जब मंगलवार रात में ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो शव देखने की मांग करने लगे। गुस्साए परिजनों और गांव वालों के काफी हंगामे के बाद पुलिस ने शव परिजनों को दिखाया। मृतक के भाई सूचित के अनुसार जब शव को निकाला गया तो देखा कि शरीर के पीछे का हिस्सा काला पड़ा था और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की और मुकदमा दर्ज होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पहले तो पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा रहा, जिससे दोषी पुलिस कर्मियों को बचाया जा सके। अब गांव वाले के गुस्से के चलते पुलिस ने आरोपी पुलिस वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। मृतक बलवंत के चाचा अंगद सिंह की तहरीर पर रनिया थाने में रनिया चौकी प्रभारी शिव प्रकाश सिंह व शिवली थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह, 14 चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे, एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम समेत 11 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, धारा 302, धारा 504, धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा अभी आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। परिजनों की मांग के अनुसार मृतक के शव को कानपुर पोस्टमार्टम भेजा जाएगा। परिजनों का कहना था कि उन्हें कानपुर देहात के जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बलवंत का पोस्टमार्टम कानपुर में करवाएंगे। कानपुर में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक बलवंत के शरीर पर 22 जगह चोटों के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब मृतक का शव मंगलवार शाम घर पहुंचा तो परिजनों ने प्रशासन के सामने 1 करोड़ मुआवजा, बलवंत की पत्नी को नौकरी की मांग रखी। परिजनों ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बुधवार सुबह कानपुर देहात के डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी गांव पहुंचे और परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए मान मोबल करने लगे, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया। प्रशासन की ओर से मृतक के पिता को 4 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इसके अलावा मृतक की पत्नी के नाम 1.5 बीघा जमीन और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात पर परिजन अंतिम संस्कार को राजी हो गए। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कस्टडी के दौरान मारने और हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि बलवंत ने हिरासत में ही सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए प्रशासन ने एक एसआईटी का गठन किया है। जानकारी के अनुसार जिस लूट के मामले में बलवंत को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो लूट बलवंत के चाचा चंद्रभान सिंह के साथ हुई थी। लूट के शिकार चंद्रभान सिंह के अनुसार सोमवार रात पुलिस ने भतीजे बलवंत को उठाया था। जानकारी पर परिजनों के साथ मेहता पुलिस चौकी शिवली थाने के कई चक्कर लगाए, दोनों जगह किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। फिर देर रात बलवंत के रनिया थाने में होने की बात पता चली तो वहां पहुंचे। वहां पुलिस वालों ने कहा कि बलवंत को पूछताछ के लिए लाया गया है, कुछ देर बाद छोड़ दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि कई बार पुलिस को बताया गया कि बलवंत इस लूट में शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। थाने में मौजूद बलवंत सही से चल भी नहीं पा रहा था। इस मामले में कानपुर देहात की पुलिस कप्तान सुनीति ने बताया कि 6 दिसंबर को ही लूट की घटना के खुलासे के लिए संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही थी। बलवंत सिंह को भी पूछताछ के लिए ही बुलाया था, वह खुद थाने आया था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसको संज्ञान में लिया गया है। मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की सीने में दर्द वाली कहानी पर कानपुर देहात के बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने सवाल खड़े किए हैं। देवेंद्र सिंह भोले ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये घटना वहां के पुलिस कप्तान के निर्देश पर हुई है। उन्होंने कहा कि बलवंत की मौत पुलिस की लापरवाही और गलत कार्यशैली के चलते हुई है।
मृतक बलवंत व्यापारी था। बलवंत के दो मासूम बच्चे भी हैं, जिसमें लड़की काव्य 3 साल की है और बेटा यश 1 साल का है। बलवंत की मौत के बाद पत्नी शालू का बुरा हाल है। शालू अपने मासूम बच्चों से बदहवास हालत में बार बार कह रही है कि पापा अब नहीं आएंगे, पापा अब नहीं आएंगे। घटना पर कानपुर के कांग्रेस नेता करिश्मा ठाकुर TwoCircles.net से बात करते हुए कहती हैं कि रनिया थाने में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत की घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कानपुर के व्यवसायी की गोरखपुर में पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस द्वारा बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहद खतरनाक है। मैं बुश्रा नाज TwoCircles के लिए। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कस्टडी के दौरान मारने और हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि बलवंत ने हिरासत में ही सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए प्रशासन ने एक SIT का गठन किया है।